अब चुनावों का हो तो नेताओं पर आप भरोसा कर सकते हैं कि एक से एक नारे गढ़ेंगे जनता के बीच जाने के लिए। महाराष्ट्र और झारखंड के साथ उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में भी प्रचार का शोर हालांकि अब थम गया है, लेकिन बयानों का शोर नतीजों तक सुनाई देता रहेगा। मुंबई के धारावी में राहुल गांधी ने पोस्टर निकाला हाथ में, पोस्टर के जरिए पीएम मोदी बीजेपी महायुति पर प्रहार किया। राहुल गांधी ने धारावी प्रोजेक्ट अदानी समूह को देने पर सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि एक है तो सेफ है नारे का सही मतलब है, जब तक मोदी और अडानी एक साथ हैं तब तक सेफ है। इसके बाद महाराष्ट्र से दिल्ली तक बीजेपी की ओर से राहुल गांधी पर हमलों की बारिश शुरू हुई। बीजेपी ने एक और सेफ की जंग को आगे बढ़ाते हुए राहुल गांधी को फेक करार दे दिया। इसके बाद वाला पोस्टर दिखाइए जो बीजेपी ने जारी कर दिया, उन्होंने राहुल गांधी फेक है लिख दिया। इतना ही नहीं, बीजेपी ने रॉबर्ट वाड्रा के साथ गौतम अडानी की तस्वीर दिखाकर पूछा कि कांग्रेस की सरकारों में अडानी पर मेहरबानी का जिक्र राहुल गांधी क्यों नहीं करते। सवाल है कि पीएम मोदी का यह नारा क्या बीजेपी को महाराष्ट्र और झारखंड में जीत दिला सकेगा, और बयानों की जंग में कौन सेफ है कौन फेक, चर्चा करेंगे। गौरव भाटिया जी राष्ट्रीय प्रवक्ता बीजेपी के हमारे साथ जुड़ गए हैं, और अभय दुबे जी प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के हमारे साथ स्टूडियो में आ जा गए हैं। गौरव भाटिया जी भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन इससे पहले कि हम चर्चा की शुरुआत करें, ये रिपोर्ट। हम एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। हमारे प्रधानमंत्री जी और अदानी जी एक साथ खड़े हैं, एक है तो सेफ है, एक है तो सेफ है, राहुल गांधी सेफ। बटेंगे तो कटेंगे से शुरू हुआ चुनावी कैंपेन एक है तो सेफ है से फेक है तक पहुंच चुका है। आज मुंबई के धारावी पहुंचे राहुल गांधी ने बीजेपी और पीएम मोदी पर पोस्टर वॉर किया। उन्होंने मन से एक छोटी तिजोरी से बाकायदा दो पोस्टर निकाले, जिसमें एक पोस्टर में पीएम मोदी के साथ गौतम अडानी की तस्वीर थी और दूसरे में धारावी के विस्थापन का मुद्दा उठाकर महायुति पर हमला किया। एक लाख करोड़ रुपए का धंधा चल रहा है, ये आप देखिए, हमारे प्रधानमंत्री जी और अदानी जी एक साथ खड़े हैं, एक हैं तो सेफ हैं, और ये लक्ष्य है। देखिए, राहुल गांधी अपनी खास शैली में इस सेफ से पीएम मोदी के नारे एक है तो सेफ है पर तंज कस रहे हैं। राहुल बोले, बीजेपी के इस नारे की हकीकत समझ लीजिए, एक है तो सेफ है, एक कौन है, एक नरेंद्र मोदी जी हैं, अदानी जी हैं, अमित शाह जी हैं, सेफ है तो कौन सेफ है, अदानी जी सेफ हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राहुल गांधी के सेफ वाले तंज पर करारा प्रहार किया। जेपी नड्डा बोले, पीएम ने एकजुटता के लिए नारा दिया लेकिन राहुल इसे दुष्प्रचारित कर। अरे मोदी जी का एक है सेफ है का मतलब है एकता है तो हम सब सुरक्षित हैं, सबको साथ लेकर के चल रहे हैं, लेकिन तुम जब बोलते हो एक है तो सेफ है तो तुम्हारे प्रेस कॉन्फ्रेंस में अगाड़ी के साथी भी नहीं होते, तुम एक ही होते हो और एक होते हो तो ही सेफ होते हो, इस बात को समझ लेना चाहिए। राहुल के पोस्टर वॉर पर पलटवार करने में बीजेपी ने जरा भी देर नहीं की। महाराष्ट्र से दिल्ली तक बीजेपी नेताओं ने पूछा, जिस अडानी समूह को लेकर कांग्रेस सवाल उठाती है उन्हीं के साथ कांग्रेस की सरकारों के कामकाज का पुराना इतिहास है तो राहुल गांधी इसे क्यों नहीं याद रखते। बीजेपी नेता विनोद तावड़े ने इस नारे में एक और तुकबंदी करते हुए राहुल गांधी को फेक करार दे दिया। राहुल जी ये देखिए कि रॉबर्ट वाड्रा है, गहलोत जी है, तो ये फोटो आपके उस सेफ में नहीं थे क्या, या अगर थे तो आपने दिखाए नहीं, इसका मतलब एक है तो सेफ है, राहुल गांधी फेक है। वही कांग्रेस नेता राहुल गांधी के एक है तो सेफ है बयान की व्याख्या को सही ठहरा रहे, उसको उन्होंने विस्तार से वर्णन किया है, अडानी जी, मोदी जी, अमित शाह, ये अगर एक है तो सेफ है। उन्होंने कहा है कि जब तक अडानी और मोदी एक हैं, उनको नारा है तब तक वो सेफ है, और जिस दिन दोनों में से कोई एक नहीं रहेगा तो दोनों अनसेफ हो जाएंगे। लेकिन बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा राहुल गांधी के बयान पर जमकर हमला करते हैं।
सेफ का दूसरा अर्थ तिजोरी भी होता है, जाकी रही भावना जैसी, जो तिजोरी में सेंध मारते हैं बंसों से, दादा परदादा दादी पापा मम्मी सबने मिलके जो सेंध मारने का काम किया है, तो स्वाभाविक रूप से जब आप सेफ बोलेंगे तो आपको तिजोरी ही दिखेगा। तो तिजोरी में सेंध मारने वालों ने सेफ का अर्थ तिजोरी समझा। राहुल के बयान पर बीजेपी बुरी तरह विफल। बीजेपी आईटी सेल के हेड अमित मालवीय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, कांग्रेस है तो आतंकवादी सेफ, पाकिस्तान सेफ, रोहिंग्या सेफ, वक्फ सेफ है और हम एक हैं तो कांग्रेस अनसेफ। उधर महाराष्ट्र में एक है तो सेफ है के साथ पटेंगे तो कटेंगे नारे पर भी सियासत हावी। मुंबई में शिवसेना यूबीटी के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने चेतावनी भरे लहजे में कह दिया, अगर मुंबई के लोगों पर आंच आई तो हमें भी काटना पड़ेगा। मी देवेंद्र फडणवीस आणि सगळ्यांना सांगतोय की तुमचं बटेंगे फटेंगे सोडा, पण मुंबईवरती घाला घातलात तर हम आपको काटेंगे, जरूर काटेंगे। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने महाविकास आघाड़ी पर वोट जिहाद का आरोप लगाते हुए कहा है कि नरेंद्र मोदी को हराने के नाम पर अल्पसंख्यक एकजुट वोट देते हैं। जवाब में शरद पवार बोले, बीजेपी वोटिंग से पहले माहौल बिगाड़ रहे। खेदजनक आहे की अशा प्रकारे धर्माचा वापर करून शरद पवारांचा पक्ष, उद्धव ठाकरेंचा पक्ष आणि काँग्रेस हे या ठिकाणी वोट जिहाद करतायत। सज्जाद नोमानी उलेमा काउन्सिलचे प्रमुख यांनी 17 मागण्या या तीन पक्षांना दिल्या होत्या, या मागण्या देखील इतक्या भयानक आहेत। वोट जिहाद हा शब्द वापरून देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारने एक प्रकारचा धार्मिक कलर या निवडणुकीला द्यायचा प्रयत्न केलेला दिसतो। दरअसल पीएम मोदी हर चुनावी रैली में एक है तो सेफ है नारा बुलंद करके कांग्रेस पर आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस ओबीसी को बांटकर कमजोर कर रही है। बीजेपी कहती है कि एक है तो सेफ है नारे का अर्थ बहुसंख्यक वोटों को जोड़ने और विपक्ष की तरफ से हो रही जाति आधारित राजनीति के जवाब में सभी लोगों को जोड़ने के लिए दिया गया है। कोई भी नहीं चाहता है कि समाज बिखरे, समाज छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाए। आज इसलिए हमें ये हमेशा याद रखना है, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। सवाल है कि हरियाणा में भगवा परचम लगाने के बाद बीजेपी क्या महाराष्ट्र और झारखंड में कमल का करिश्मा दिखा पाएगी, और क्या पीएम मोदी का एक है तो सेफ है नारा ही दोनों राज्यों में बीजेपी की जीत की पटकथा लिखेगा। आज तक के लिए।